प्रशासन बल्कि स्टूडेंट्स की फैमिलीज भी बहुत ज़्यादा परेशान हैं। यहाँ हमारे साथ कुछ स्टूडेंट्स अवेलेबल हैं जिन्होंने ये एग्ज़ाम्स भी दिए हैं, और जनरली हम एक आज डिस्कशन करेंगे जिससे हमें ये पता चलेगा कि स्टूडेंट्स जो है वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। तो आइए पूछते हैं स्टूडेंट्स से। आप अपना नाम बताइए। तो विशाल, आपने ये एग्ज़ाम दिया था? कहाँ आपका सेंटर पड़ा था? अच्छा, और एग्जाम देने की कितनी देर के बाद आपको मालूम चला कि पेपर लीक हो गया है? जैसे ही एग्जाम लेकर बाहर आए तो मुझे पता चला कि क्वेश्चन पेपर लीक हो गया। ओके, तो क्या असर हुआ, क्या सोचा आपने? बहुत ही सदमा लगा ये सुनकर। लाखों स्टूडेंट बहुत से दिन रात जग कर और आर्थिक परेशानियों को झेलते हुए इस चीज़ की तैयारी करते हैं, और उसके बाद से इतना दूर सेंटर जाना पड़ता है जिसमें बहुत से परेशानी होती है। तो और उसके बाद जब इतना मेहनत करके हम लोग वहाँ पहुँचते हैं और पता चलता है कि ऐसा हादसा हुआ है तो अंदर से मनोबल टूट जाता है। सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि आगे से होम सेंटर पे ही मतलब स्टूडेंट्स को दिया जाए, ताकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो भी इस चीज़ की तैयारी करते हैं। एक एक बार एग्ज़ाम देने जाने पर मतलब बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जैसे रहने की सुविधा की कमी हो जाती है। तो ये सब पर थोड़ा सरकार को ध्यान देना चाहिए और सेशन को थोड़ा नियमित करे। पेपर लीक में एक रूल सा बन गया है जो बिहार में अक्सर पेपर लीक्स होते हैं या फिर सभी जगह ऐसा होता है, क्या सोचते हैं आप? मैम, सभी जगह तो नहीं बोल सकते कि ऐसा होता होगा, बट लेकिन हाँ, बिहार में कभी कभी सुनने को मिल जाता है कि ऐसा हुआ, लेकिन इस बार तो पहली बार है कि मतलब BPSC में ऐसा हुआ है जो बच्चों पे बहुत ज़्यादा असर हुआ है। काफ़ी बच्चे मतलब प्रिपेयर किए, इसके लिए मेहनत किए, काफ़ी दिनों से लॉकडाउन था तो उसमें भी किए हैं, तो लेकिन बच्चे लोग काफ़ी परेशान इस चीज़ों को लेके कि मतलब लीक हो गया जो एग्ज़ाम दे के आए। मेरी दीदी दी थी तो शी वाज लाइक कि नहीं, बहुत गलत हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया था। शी वाज डिप्रेस, थोड़ा डिप्रेस है, बट शी वाज की पापा बोले उसको कि नहीं मेहनत करो, दूसरी बार होगा, बट ये होना नहीं चाहिए था, ये गलत है, मतलब बिल्कुल गलत है, बच्चों के लिए गलत है। बट लेकिन हाँ, कोई नहीं, एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट को यहाँ पे देखना चाहिए कि जो सही है वो ठीक करना चाहिए, और जहाँ पे जो लोग ये गलत किए हैं उनको पकड़ना चाहिए, बिल्कुल मतलब सही होना चाहिए हर चीज़, बच्चों के लिए सही होना चाहिए, और क्योंकि बच्चों के भविष्य के लिए ये सब मतलब गलत है, क्योंकि बच्चे काफ़ी पढ़ते हैं और फिर मेहनत करते हैं, और फिर अगर ये हो रहा है तो ये बिल्कुल गलत है। बिहार में इस तरह की घटनाएँ बार बार क्यों सुनने में आती है, क्या सोच रखते हैं आप इस बारे में एज ए स्टूडेंट? स्टूडेंट में यही कहूँगी, प्रशासन ऐसा है कि वो ध्यान नहीं देते हैं, ब्लेम इतने हैं कि अपने अच्छे से काम नहीं करते, हमेशा कुछ ना कुछ इस टाइप की न्यूज़ हम लोग को सुनने मिलते हैं, कभी बिहार में पेपर लीक हो रहा है, कभी किसी नॉर्मल एग्ज़ाम का जो होता है ये उस तरह का पेपर भी लीक हो जाता है। ऐसा कोई एग्ज़ाम देने के लिए आपने सोचा है, करियर वाइज क्या सोचते हैं? यस मैम, मैंने IIT दे के बारे में सोचा और मैं अभी उसी का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आपको क्या लगता है कि ऐसे एग्ज़ाम्स जो गवर्नमेंट जनरली कंडक्ट कराती है, क्या इसमें पेपर लीक होने के चांसेस होते हैं? मैम, चांसेस तो होते हैं, पर अगर गवर्नमेंट स्ट्रिक्टली रूल्स को फॉलो करेगी, जैसे CBSE का पैटर्न होता है कि एग्ज़ाम के आधे घंटे पहले ही हॉल में जहाँ पे एग्ज़ाम सेंटर पे पेपर प्रिंट होते हैं, तो अगर ऐसे रूल्स को गवर्नमेंट नॉर्म्स को फॉलो करे तो नहीं हो सकते हैं पेपर लीक, बचा जा सकता है इससे। और आप बताइए कि एज अ स्टूडेंट अगर कहा जाए, कितनी परेशानियां होती हैं जो बच्चे झेल के एग्ज़ाम सेंटर तक पहुंचते हैं, दूर दराज जब सेंटर होता है? बहुत सारी परेशानियां होती हैं, दूर दूर से आना होता है, उन लोग को अपने फैमिली को समझाना होता है कि हम अपने आप को ठीक से रख सकते हैं, कॉन्फिडेंट दिखाना होता है कि हाँ अपने आप को हम ठीक से रखेंगे, पढ़ेंगे, BPSC क्रैक करेंगे, लेकिन अगर ये सब होगा तो फिर आगे चल के कोई भी स्टूडेंट सोचेगा BPSC करने से पहले। आपको क्या लगता है कि इस तरीके के जो मुद्दे होते हैं जैसे पेपर लीक क्यों होता है आखिर?
मैम कुछ स्टूडेंट ही होते हैं जो पेपर लीक करवाते हैं और इसी के कारण पेपर लीक होता है तो प्रॉब्लम फेस करने मिलता है। आपने आपके फैमिली में या आपके किसी फ्रेंड सर्कल में किसी ने BPSC का एग्ज़ाम देने के बारे में सोचा है? मैम एक्चुअली मेरे एक कज़न भाई हैं, वो अभी फ़िलहाल उनका ऐसा प्लान है कि वो देंगे, मतलब अभी इतना श्योर सा तो नहीं है बट वो देने का सोच रहे हैं। इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो क्या असर पड़ता है फैमिलीज़ के ऊपर? जो लोग सोच रहे हैं वो तैयारी करेंगे तो क्या उनकी सोच पे कोई असर पड़ता है? मैम बहुत असर करता है क्योंकि मैम बहुत ऐसे ऐसे बैकग्राउंड से बच्चे आते हैं जो कि मतलब बहुत जो विलेज साइड से आते हैं तो उनका एक वो एक होप होता है कि उनके बच्चे अगर निकाल लेंगे BPSC तो उनका लाइफ सेट हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा असर पड़ता है इस चीज़ पर। इस तरह की घटनाओं ना हो इसलिए प्रशासन को ठोस कदम उठाने ही चाहिए। जैसे कि हमारे यहाँ सारे स्टूडेंट्स ने ये बात मानी कि इस तरीके की घटनाएं हुआ करती हैं और प्रशासन को ठोस कदम उठाना चाहिए। ये बातें सभी कहते हैं पर वो ठोस कदम क्या हो, आरा के उस एग्ज़ाम सेंटर पे आखिर ऐसा क्या हुआ, क्यों हुआ और कैसे हुआ, इस बात की खोजबीन डेफिनेटली किया जाएगी। लेकिन BPSC के इस एग्ज़ाम के पेपर लीक होने की वजह से जितने सारे छात्रों का भविष्य बीच में अटक गया है, ये बात सचमुच में बहुत दुखी करने वाली है। कई लोगों का ये लास्ट अटेम्प्ट दिखा, कई लोगों ने इसके लिए बहुत मेहनत की थी, कई लोगों का के लिए एग्ज़ाम पेपर बहुत अच्छा भी गया था, एक बहुत अच्छा मौका था कि उनको आगे मेन्स के लिए सिलेक्शन हो सकता था। लेकिन अफसोस कि वो सब स्टूडेंट्स अभी सोच के ही रह रहे हैं। लेकिन मैं सबको यही कहूँगी, वो सारे स्टूडेंट्स जो अभी इस एग्ज़ाम के बाद सदमे में हैं, डिप्रेशन में हैं, कि आप हिम्मत मत हारिए, अभी आपके पास समय भी है, मौका भी है और आगे आप मेहनत करके डेफिनेटली BPSC का एग्ज़ाम ज़रूर निकालिए। एक बार कुछ हो गया इसका मतलब ये नहीं है कि आगे भी होगा। थैंक यू सो मच।